हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। आप इस पैटर्न को ऑल प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, बेबीज के लिए और जेंट्स के लिए। इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप में भी डाल सकते हैं। बनके हमारा ये पैटर्न बहुत ही सुंदर आता है। 10 नंबर की सिलाई में हमने इस पैटर्न को बना लेना है। फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। 4 के मल्टीपल में इस पैटर्न को बनाने के लिए फंदे डालने हैं और +3 फंदे एक्स्ट्रा डालने, यानी कि 4 के जोड़े के हिसाब से हम फंदे डालेंगे +3 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार लेंगे, एक्स्ट्रा फंदा उतारेंगे। उसके बाद देखिए हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने, ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए एक एक्स्ट्रा फंदा बिना बुने उतारा, फिर 2 फंदे सीधे बुन के उतारे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए हमने 3 फंदे एक साथ बुने और 3 फंदों से हमने फिर 3 फंदे बना लेने हैं। तो देखिए ये एक हो गया, फिर धागा अपनी साइड 2 और फिर ये बुन के 3। तो देखिए हमने 3 फंदों को एक साथ बुना और 3 फंदों से फिर हमने ये 3 फंदे बना दिए। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए हमने 3 फंदे एक साथ बुन लेने हैं। ये देखिए ये 3 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा बन गया, फिर धागा अपनी साइड, इससे दूसरा फंदा बन जाएगा, फिर बुन के देखिए तीसरा फंदा बन गया। तो देखिए हमने 3 फंदों को एक साथ बुना और 3 फंदों से हमने ये 3 फंदे बना दिए। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो है। ये देखिए एक फंदा बन गया, फिर धागा अपनी साइड, इससे दूसरा फंदा, फिर बुन के तीसरा। तो 3 फंदों को हमने एक साथ बुना और उनसे हमने ये 3 फंदे बना दिए। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट 3 फंदे एक साथ बुनने हैं और इनसे हमने 3 फंदे बना लेने। तो देखिए सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने फ्रंट साइड से अपनी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकेंड रो। अब बैक साइड से सेकेंड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और बैक साइड से हमने सेकंड रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा और साथ में शिफ्ट होगा। तो देखिए ये एक्स्ट्रा फंदा उतारा। अब एक्स्ट्रा फंदा उतारने के बाद देखिए हमने 3 फंदे एक साथ बुन लेने, ये 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये हमारा पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए एक फंदा बना दिया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दूसरा फंदा और फिर ये बुन के तीसरा फंदा। तो देखिए हमने 3 फंदे एक साथ बुने और 3 फंदों से ये 3 फंदे बना दिए। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट हमने 3 फंदे एक साथ बुनने हैं और इनसे देखिए हमने ये 3 फंदे बना लेने हैं। एक हो गया, धागा अपनी साइड 2 और फिर ये बुन के 3। तो हमने ये 3 फंदों से 3 फंदे बना दिए। तो देखिए ये हमारा पैटर्न रिपीट एंड शिफ्ट हो रहा है। इस तरह हमने फ्रंट साइड से अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो। अब फोर्थ रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार लेंगे
और देखिए बैक साइड से फोर्थ रो को उल्टा बुनते हुए हमने कंप्लीट करना है। पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। अब फिफ्थ रो में हमारा पैटर्न रिपीट एंड शिफ्ट होगा और बनके देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान पैटर्न है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और बनाने के लिए भी देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही आसान है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।